नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च और बुध का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान शकील नायक। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में एक अहम खबर पेश कर रहे हैं। नादरीन, हुकूमत सिंध ने सेनेट के इंतखाबात के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद सिंध काबीना में तब्दीलियों का फैसला किया। इस ज़मीन में यह फैसला हुआ है कि कुछ वज़रा जो हैं उनसे वज़ारतें वापस ली जाएंगी, कुछ नए वज़ीर और मुशीर शामिल किए जाएंगे, जबकि इंतज़ामी तौर पर कुछ DIG और SSP का तबादला किया जाएगा और कुछ जो है वो उसको डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर सतह के अफसरान को भी तबादले किए जाएंगे, क्योंकि जो है वो हुकूमत सिंध इस ज़मीन में काफ़ी दिनों से इसका होमवर्क कर रही थी और अब जो है हुकूमत सिंध इस पर फैसला कर लिया है कि सिंध कामयाबी भी तब्दीली होगी और इंतज़ामी अफसरान और पुलिस अफसरान के तबादले होंगे। गो के 5 DIGs को वफाकी हुकूमत ने जो है वो उनकी खिदमत वापस ले ली, उनको अपने पास तलब कर लिया है, तो उसके बाद सिंध में आला पुलिस अफसरान का एक बहरान पैदा हो गया। देखना यह है कि हुकूमत सिंध उनको जो है वो वफाक में जाने देती है या नहीं देती। अगर जाने देती है तो उसके बदले किन अफसरान को कबूल किया जाता है, उनके जगह कौन से अफसरान आते हैं, यह हुकूमत सिंध के लिए एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ी परेशानी। और ये इसके सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बाद ये हतमी फैसला कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से इस ज़मीन में सलाम मशवरा कर लिए हैं और जिसके बाद जो है वो इसका नतीजा जो है वो आइंदा एक हफ्ते के अंदर सामने आ जाएगा। नादिन, ये थे हमारे आज के ब्रेकिंग न्यूज़। हम आपसे मुद्दा फिर गुजारिश करते हैं कि बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको खबर मिल सके। शुक्रिया।